प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे प्रवाह कार्यपुस्तिका हिंदी कक्षा 6 एवं 7 में कार्यपत्रक 96। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 96 दक्षता संवेदनशील मुद्दों पर अपनी तार्किक समझ अभिव्यक्त करना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर तार्किक समझ विकसित कीजिए। अरुणा 8वीं कक्षा की परीक्षा दे चुकी है। अरुणा के पिता जी दर्जी हैं। उनका कहना है कि अब अरुणा की शादी की जानी है, इसलिए उसे स्कूल की पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। उसे घर के काम के साथ दर्जी का काम सीखना शुरू कर देना चाहिए, जबकि अरुणा का कहना है कि उसे आगे स्कूल में जाकर पढ़ाई करनी है। उसे दर्जी के काम में रुचि नहीं है। इस काम और शादी से उसकी आगे की पढ़ाई में बाधा आ सकती है। उसके पिताजी का मानना है कि शादी और दर्जी का काम सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अरुणा तथा उसके पिताजी को क्या सलाह देंगे? इस विषय पर अपने विचारों को लिखिए। तो विद्यार्थियों, आपको अपने अपने विचार लिखने हैं। तो हम लिखेंगे, हम अरुणा के पिताजी और अरुणा को यही सलाह देंगे कि अभी अरुणा के पढ़ने की उम्र है, उसे आगे पढ़ना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ सिलाई का काम सीखा सकते हो। छोटी उम्र में शादी करना गलत है। इससे आगे की पढ़ाई और जीवन दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। छोटी उम्र में विवाह करना
कानूनन अपराध हैं। सरकार भी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पर जोर दे रही है। इसलिए अरुणा को अभी पढ़ना चाहिए, साथ ही सिलाई का कार्य सीखने की सलाह दी जाती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की कक्षा में कार्यपत्रक 96 समझा। आप भी इस प्रकार से अपने मन से इस विषय पर अपने विचार लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप और भी जो कार्यपत्रक हैं उनका भी आप समझते हुए अभ्यास कीजिए। तो विद्यार्थियों, आप सभी अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और समझ करके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।